ये बताता हूं पहले माला कैसे करनी। 108 मन के हैं और ये 109वां मन का है, इसको सुमेरु बोलते हैं। जब भी माला उठाओ सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, जहां गुरु दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, तो पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, मन ही मन प्रार्थना करो, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं मैं तेरे काज में, आपने जो मुझको नाम जप का आदेश दिया मैं आपका कार्य करने चला हूं, पालन करने को आज्ञा मैं तब नियुक्त होता हूं आज। अंतर में स्थित रहकर मेरी बाघ डोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। गुरु भगवान साक्षात भगवान है, ऐसा भाव पवित्र करके गुरु को प्रणाम करना है, उसके बाद फिर उनकी आज्ञा का पालन करना है, इससे कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जब आप अपनी मर्जी से अपने पुरुषार्थ से करेंगे तो अनेक विघ्न सताएंगे, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप भी तुम्हारे आड़े आएंगे, लेकिन जब तुम गुरु कृपा को मना करके करोगे तो हमारे पाप विघ्न नहीं करेंगे। इसलिए गुरु को मना करके गुरु भगवान का रूप ऐसा भाव करके पवित्र, और फिर हाथ में माला लेकर के, और कोशिश करो हृदय के पास माला रख के भजन करना चाहिए। लेकिन ये गुरु मंत्र की बात है, नाम जब तो जैसे मर्जी करो, चलते फिरते उठते बैठते चलते चलते भी माला कर सकते हैं, हृदय के पास रख करके माला करनी चाहिए, और ये उंगली टच नहीं करनी चाहिए। एक आवृत्ति करके तब एक मन का अपनी तरफ खींचना है, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पूरा मंत्र या नाम बोल करके एक मन का अपनी तरफ खींचना, फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बीच में फोन आ गया, सुन लो, लेकिन ये बात गुरु मंत्र के लिए नहीं, ये नाम जप के लिए, गुरु मंत्र में नहीं बोलते बीच में। फोन आ गया सुन लो, मन का रोक दिया सुन लिया, बात पूरी वहीं से, फिर हरे राम 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 हरे, फिर कोई आ गया कोई बात नहीं, कर लो बात, मन का रोक के रखो, बात कर लो। नाम जप बातें करते भी कर सकते, हाथों से जब कोई काम ना करो माला जपो विश्राम ना करो, माला बिना नहीं बात करो रे अपना उद्धार स्वयं। गीता में कहा भगवान, मामानुस्मर युद्ध चाहे तस्मात सर्वेशु कालेशु, हर समय गुरु मंत्र सुबह शाम होता है, लेकिन नाम जब आठोयाम हर समय, तस्मात सर्वेशु कालेशु मामानुस्मर युद्ध चाहे, युद्ध भी कर जप भी कर, दोनों काम एक साथ, ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहते पानी। माला तब करो जब कोई काम नहीं, खाली बैठे टीवी देख रहे सोफा बैठे करो माला, राम राम करते टीवी देखो, लाभ होगा इसका। तो नाम जब करते करते बात कर सकते हैं, छोड़ दिया नाम जब, मन का पकड़ के रखा, बात पूरी वहीं शुरू कर दे, करते करते नाम जब जब यहां आएंगे तो यहां वैसे तो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, कम से कम जब माला पूरी हो तब एक बार अपने इष्ट देव का चिंतन करो, राधा कृष्ण गौरी शंकर सीताराम, जिसको भी तुम लोग मानते हो जो तुम्हारा इष्ट देव है, कम से कम एक बार सुमेरु पर जब आएगा मन का जब, तो अपने भगवान को इष्ट देव को नमस्कार करना होता है, चाहे राधा कृष्ण अभ्याम कह के राधा कृष्ण को नमस्कार कर लो, भगवान शिव को नमस्कार, जो जो भी जो इसका इष्ट, आप संस्कृत में हिंदी में नमस्कार कर लो नमस्कार, मैं कहता हूँ बिना बोले कर लो, ऐसे करके कर लो, एक बार माथे पे एक बार हृदय पे लगा लो पूरा मन ही मन। वैसे तो हर समय प्रभु की याद रखो, कम से कम सुमेरु पे तो मन कहीं भी बीच में भटके भटकने दो, सुमेरु पे जब आओगे तो एक बार भगवान के चरणों में मन आ जाए, नमस्कार करो, फिर माला को घुमा लो, आगे नहीं बढ़ना, जैसे जब करते करते सुमेरु आ गया तो अगली माला करने के लिए आगे नहीं बढ़ना, सुमेरु पकड़ लो, आगे जाना नहीं, बल्कि आगे वाली लड़ पीछे कर लो और पीछे वाली आगे कर लो, ऐसे घुमा लो। जो 108वां मन का था अब दूसरी माला का वही पहले नंबर का मन का हो जाएगा, फिर वही राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जो भी तुम नाम करते हो, फिर बोलकर फिर एक मन का अपनी तरफ, फिर एक मन का, समझ गए ना बात को। और अब ये साक्षी माला, इसको बता दें, ये झोली है, इसके अंदर माला रखनी होती है, अंदर माला रख करके दूसरी तरफ एक सुराख छोटा सा होता है, उसमें अंगूठे के पास वाली उंगली बाहर निकाल दो, ये बाहर निकालनी होती है, क्योंकि जो हमारी माला से घर्षण से जो शक्ति पैदा होती है वो इस टच करने से माला से स्पर्श दोष लग जाता है, वो शक्ति का ह्रास होने लग जाता है, इसलिए इस उंगली को बाहर रखो, इसमें इच्छा शक्ति का भी निवास होता है, विल पावर इस उंगली में रहती है, इसलिए जब ध्यान करते हैं उस समय अंगूठा ये ऐसे करते हैं,
तब ध्यान करते हैं, विल पावर बढ़ती है दोनों को टच करने से। और भी बहुत गुण हैं, लेकिन मेन बात आप लगी है कि इसे स्पर्श करने से स्पर्श दोष लग जाएगा, उसमें दोष लगता है, इसलिए इसको बाहर निकालो। और एक व्यक्ति हमेशा मोबाइल चलाता, मुझसे पूछा उंगली बाहर क्यों निकालते, हमने कहा टक टक करने के लिए मोबाइल पे। तो जब अंदर माला पूरी हो जाए तो इधर से एक मण का नीचे देखो, इसमें एक तरफ 16 मण के होते हैं, एक तरफ 4 मण के। अंदर ही अंदर जब माला पूरी होगी, भगवान को इष्ट देव को प्रणाम किया सुमेरु पे आकर के, और एक बात और, सुमेरु पे गुरु मंत्र जाप करना है, सब मणकों पे नाम जाप करना है और सुमेरु पे आकर के इष्ट मंत्र जाप करना है, गुरु ने जो दीक्षा दी है वो मंत्र जाप करना, सब मणकों पे राम राम करो और उस पे सुमेरु पर दीक्षा जाप करो, एक बार मंत्र बोल दो प्रणाम करो, फिर इसके बाद एक मण का नीचे कर लो। ये अपनी तरफ से नीचे नहीं आते, ये टाइट होते हैं मण के, इसको नीचे करना पड़ता है। एक माला अंदर अंदर पूरी होगी तो एक मण के को नीचे कर लिया, फिर अपन चलते फिरते उठते बैठते हरे राम 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 हरे हरे, या सीताराम 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 सीताराम, जो भी तुम करो। जब मण के सुमेरु पे आ गए, और बीच में बात भी कर सकते, फिर बात कर लो जरूरी पड़ गई, बात खत्म फिर माला शुरू करो, तब तक मण का रुक के रखो। सुमेरु पे आए फिर एक मण का फिर नीचे कर दिया, फिर अपना शुरू हरे राम राम राम, इस प्रकार एक एक करके 16 मण के नीचे जब आ जाए, उसके बाद ये जो 4 मण के हैं दूसरी तरफ एक मण का नीचे कर दो, इसका मतलब 16 माला एक बार होगी। फिर सबको ऊपर कर दो, कर दी हमने ऊपर, फिर शुरू कर दो 17वीं माला हरे राम, पूरे माला हो गई, फिर एक मण का नीचे, ऐसे धीरे धीरे 16 मण के नीचे आ गई, तो इधर से दूसरे नंबर के मण का तो कितनी हो गई 35, मण के पे कितनी हो गई 48, फिर चौथे मण के पे कितनी हो गई 64। महामंत्र या युगल महामंत्र की कोई 64 माला करे तो टोटल 64 माला में नाम जप हो जाता है 110,592 नाम जप हो जाता है, मतलब लाख नाम से अधिक हर रोज होता है 64 माला। अधिकतर साधक 64 माला का नियम रखते हैं, 64 माला आप लगातार करो महामंत्र की तो 6 घंटे में कर सकते हैं, आराम से करो 8 घंटे लग जाएंगे। अब आप कहेंगे कि माला कैसे कर पाएंगे, हम तो घर गृहस्थी में उलझे, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, रोटी बनानी, सिलाई करनी, क्या क्या करने, अब कैसे माला करेंगे। अरे जब कुछ नहीं करे हो माला तब के लिए, हाथों से जब कोई काम ना करो तो माला जपो, विश्राम ना करो। अगर रोटी बनानी है, अच्छा ये और बता दो, तुम रोटी जीभ से बनाते हो कि हाथों से? हाथों से ना, तो जीव अपना काम करती रहे हरे राम राम राम। मान लो आधा घंटा तुम रसोई में गई और आधा घंटा लगातार हरे राम बोलती गई, जरूरी नहीं कि आवाज बाहर आए, बस जीव हल्की हल्की हिलती रहे। नाम जब आधा घंटा तुमने लगातार किया, आधे घंटे में कितनी माला होती है जानते हो? 15 मिनट में 2 माला आराम से हो जाती है, तो आधे घंटे में 4 माला होगी। अब करना क्या, माला को खूंटे पे लटका दो या गले में या खूंटे पे लटका दो। अब नाम जब करते रोटी बनाओ, आधे घंटे में तुमने रोटी बना दी और इधर नाम जब चलता रहा, तो आधे घंटे में कितनी माला हो गई, 4 हो गई ना। अब आप इस पे आओ माला के पास और इधर से 4 मण के नीचे कर दो, फिर रख दो उसको, फिर अपना घर के काम में लगो, बर्तन मांजो, कपड़े धो और नाम जब चलता रहे, आधे घंटे में माले कपड़े धोए तो आधे घंटे में कितनी माला हो गई। ध्यान रखो नाम जब चलता रहे, क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं, पति गया ड्यूटी, बच्चे गए स्कूल, क्यों तुम गई माला को भूलो, तुम नाम जप करते रहो। और फिर कपड़े धोते धोते नाम जप किया, आधा घंटे में कपड़े धुल गए, नाम जब 4 माला होगी तो 4 माला मन के नीचे कर दो। ऐसे तुम कितना भी घर गृहस्थी में फंसी क्यों ना हो, ये बाहर जो साक्षी माला है ये 64 मन के हो जाएंगे, माने 16 इधर 4 इधर 16 चौके 64। आप लोग आराम से 64 माला कर सकती हो मेरी माताओं, तुम चाहे कितनी भी बिजी तुम्हारी लाइफ क्यों ना हो, कर सकती हो। और हमारे साधक कर रहे हैं, हजारों नहीं लाखों साधक, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भी जो हमसे जुड़े हैं, सब अधिकतर 64 माला पे पहुंचे हुए हैं और अपने घर गृहस्थी के काम भी करते हैं। यहां तक कि एक और साधन है, ये मैंने 2 प्रकार की मालाएं बताई है, एक मणके से जपना और दूसरा टाइमली माला बताई, टाइम के हिसाब से काम करते हुए। तीसरी माला और है करमाला, करमाला भी कर सकते हैं, घूमने निकले हैं करमाला भी कर सकते हैं, अब उसमें बताने में समय ज्यादा लग जाएगा, समय हो रहा है। और चौथी माला होती है वो
उसको काउंटर बोलते हैं। अंगूठी की तरह आप उंगली में पहन सकते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं और अंगूठे से दबाते रहो। एक बार युगल महामंत्र बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। एक युगल महामंत्र बोलकर एक बार दबा दो तो नंबर एक आ जाएगा, फिर दूसरा मंत्र बोलकर एक बार और दबा दो तो दो लिखा जाएगा। इस प्रकार दो माला का नियम करोगे तो 216 नंबर तक रोज पहुँचा दो और अपना काम भी करते रहो। अंगूठी की तरह रखो उस काउंटर को भी, वो शायद काउंटर वहाँ से मिल जाए स्टॉल से, यदि नहीं हुआ तो मिल जाता आम दुकानों से, आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको नाम जप के बारे में बताया है।